एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ आपको, ये है फ्लैक्स फ्यूल, मतलब वो भविष्य जिसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट। अब देखिए, इतनी मेहनत करके, इतना भारी कैमरा, इतना भारी ट्राइपॉड के साथ में हमारे राजीव भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इस पर कमेंट जरूर दें, प्यार जरूर दें और वर्चुअल तालियां जरूर बजा दें। अगर आप इसे हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें हमारी वीडियो को, तो वहां तो बड़ा आसान है, आप वहां क्लैप का आइकन डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, बताएं सर, क्या बता रहे हैं इसके बारे में आप? एक्चुअल में ये फ्लैक्स्यूल बेस्ड पहली प्रोडक्ट का होगी इंडियन मार्केट में, जो कि E85 एथेनॉल पे चलाई जा सकती है, 1.5% 85% एथेनॉल पे चलाई जा सकती है। और यह कम्प्लीटली न्यू डिजाइन इंजन के साथ दी जा रही है, क्योंकि एथेनॉल का एक नेचर है वो प्लास्टिक रबर पार्ट्स को बहुत जल्दी गला देता है। अच्छा। और इसीलिए इसमें से ऐसे रबर पार्ट्स, लाइनिंग से लेकर हर चीज, या एथेनॉल के सेंसर्स, तो इसका इंजन ही नया है, इसको मॉडिफाई किया गया, कम्प्लीटली नया है ऑलमोस्ट। अच्छा। इसकी हर चीज को चेंज किया, क्योंकि एथेनॉल डी करता हूँ, ये खुली हुई है, इज इट ओपन? तो क्या सर, क्या फर्क होता है? और क्या एथेनॉल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो रबर के पार्ट्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उससे बचने के लिए पूरी फ्यूल लाइनिंग इन्होंने चेंज की है। फिर एथेनॉल के सेंसर्स लगा रखे हैं नीचे, जो एथेनॉल को कवर करते हैं और एथेनॉल की क्वालिटी के हिसाब से यह इंजन को अगला मैसेज देते हैं। अब इसके लिए इनको चाहिए कि एक ECU कंट्रोल यूनिट भी चेंज किया है, तो इन्होंने एक एथेनॉल बेस्ड ECU कंट्रोल यूनिट भी नया डिजाइन किया है और उसको मशीन लर्निंग के साथ जोड़ दिया है, कि जैसे ऐसे एथेनॉल की क्वालिटी आपको मिलती जाएगी उसे रीड करता जाएगा, उस हिसाब से अपनी ट्यूनिंग चेंज करता जाएगा। अब यहाँ पर भी इन्होंने उसके लिए बूस्टर्स लगा रखे हैं कि उतनी ही एयर जाए जितनी जरूरत है, और नॉर्मली एथेनॉल को बर्न होने के लिए ज़्यादा एयर की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हाँ उस तरह से इन्होंने बूस्टर भी दिया, इवन हाई फ्लो इंजेक्टर सिस्टम भी दे दिया है ताकि उसको मैनेज किया जा सके। और इन सब चीज़ों को जब जोड़ा गया तब यह इंजन एक्चुअल में रेडी हुआ है अभी। हालांकि मुझे इसे चलाने का मौका नहीं मिला है, और होपफुली शायद मैं जैसे ही E85 फ्यूल इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा।